मारना है मारे, गोली चलाना चला है, लेकिन हम आंदोलन जारी रखेंगे। हम अपनी उधर भटक रहे हैं, आरआरबी जाते हैं, वो लोग आरआरसी जाओ, आरआरसी। पुलिस प्रशासन रोकने के लिए तैयार है, अभ्यर्थियों को ऑफिस अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और उन्हें रोकने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लाठीचार्ज की भी संभावना बनी हुई है। पुलिस प्रशासन पूरे सख्ती के साथ विरोध प्रदर्शनकारी को रोकने में जुटी हुई है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और जो अभ्यर्थी है वो विरोध प्रदर्शन में लगातार जुटे हुए हैं। नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन को अंजाम दिया जा रहा है। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रदर्शन का कारण क्या है और किस मंशा से वह प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, किस मंशा से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, हम लोग यहाँ पे 2.5 घंटे से शांति से बैठे थे। हमारी मांग ये है कि आरआरबी बिलासपुर में जो कैंडिडेट हैं, जो लोको पायलट भर्ती के लिए जो एलिजिबल हैं, उनका चयन नहीं करके दूसरे आरआरबी के, मतलब दूसरे स्टेट के बाहर के लोगों का चयन किया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में 300 लोगों का चयन किया जाता है, जा चुका है। तो ये छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ अन्याय है। जो रेलवे सबसे ज़्यादा फायदा देता है आरआरबी बिलासपुर, वहीं के युवाओं को तुम नौकरी नहीं दे रहे हो, बाहर के युवाओं को नौकरी दे रहे हो। तो छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ छल है। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ हर कदम में खड़ी है। हम किसी भी सूरत में, चाहे हमारी जान क्यों न चले जाए, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। इसीलिए आज ये प्रशासन के लोग हैं, जीएम 2.5 घंटे से इंतजार करवाए। जब हमने अंदर जाने की कोशिश की तो यहाँ तक लोगों को लाठी से मारा गया। तो ये लोग घमंड में, किस सत्ता के चूर में घमंड हो गए हैं। जो लोग बिलासपुर, जो पूरा देश को चला रहे हैं छत्तीसगढ़, यहाँ के युवाओं के साथ अन्याय है, हम ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। अच्छा, अभी जैसे 2.5 घंटे से लगातार आप लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, तो अभी पुलिस प्रशासन या DRM ऑफिस की तरफ से आप लोगों को क्या प्रतिक्रिया मिली? DRM ऑफिस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये लोग जबरदस्ती हमारी आवाज़ दबाना चाहते हैं, ना तो मिलने के लिए तैयार हैं, ना बात करने के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ पुलिस के जरिए हमें यहाँ पे भगाना चाहते हैं, ये हमें मजबूर कर रहे हैं आने वाले समय में उग्र आंदोलन के लिए। इनको हम शांतिपूर्ण तरीके से, ये कार्यक्रम इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये चाहते हैं छत्तीसगढ़ के युवा भी उग्र हो, तो हम उनकी उग्रता क्या होती है ये भी दिखाएंगे। हमारा हक तो हम लेके रहेंगे। अगर मांगे पूरी नहीं होती है, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? हमने तय किया है, अगर मांग पूरी नहीं होगी तो छत्तीसगढ़ में लोहा कोयला सब जाता है पूरे देश में, हम रेल की पटरी में बैठेंगे। अब जहां वहां से उठाए, हमें मारना है मारे, गोली चलाना चलाए, लेकिन हम आंदोलन जारी रखेंगे। हम अपनी लड़ाई रोकने वाले नहीं हैं, हमारी लड़ाई चलेगी, चाहे ये प्रशासन जितना भी क्रूर हो जाए, हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। लगभग 2.5 घंटों से बिलासपुर के अभ्यर्थी और आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में लगातार ऑफिस के सामने आंदोलन किया जा रहा है। आइए आंदोलन की वजह क्या है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में कुछ अभ्यर्थी लोग उपस्थित हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमंत। अच्छा, अभी जैसे आंदोलन किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, 2018 में जो लोको पायलट की भर्ती आई थी, उसके भी संगति में हैं हम लोग। पिछले एक महीने से पत्राचार कर रहे हैं, हम लोग दर दर भटक रहे हैं। आरआरबी जाते हैं, वो लोग आरआरसी जाओ, आरआरसी जाते हैं, वो लोग बोलते हैं दिल्ली में कॉल करो, जो भी हो रहा है दिल्ली से हो रहा है। सर, हमको बताइए ना, हम लोग दिल्ली में कॉल किए हैं, इनके कहीं भी रूल्स रेगुलेशन में नहीं लिखा है कि आउटसोर्सिंग किया जाना चाहिए, लेकिन हम लोग वो कैंडिडेट हैं जो लोको पायलट में सभी स्टेज क्लियर करके बैठे हुए हैं। हम लोगों ने कोर्ट केस भी किया है, पहला सुनवाई भी हो चुका है, लेकिन कोर्ट केस के ऑर्डर का इन लोग के कान में जू भी नहीं पड़ा है। इसलिए हम लोग आज एक विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सर, जिस गति से इन लोग का जवाब आ रहा है, उसी दुगुने गति से ये लोग अपनी भर्ती प्रक्रिया करवा रहे हैं। हम लोग 25 तारीख को भी आए थे, 25 तारीख को हम लोग ज्ञापन दिए थे। ज्ञापन देने के बाद हम लोग को बोला गया था, आरआरबी हाथ खड़े कर दी थी कि ये मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। आरआरसी का चेयरमैन आधे एक घंटे बाद आते हैं, एक घंटे बाद आने के बाद वो बोलते हैं ठीक है, हम इसमें विचार विमर्श करते हैं। सर, 8 दिन हो गया है, 7 से 8 दिन हो गया है, अभी तक ये लोग विचार विमर्श नहीं किए हैं, लेकिन अपनी भर्ती प्रक्रिया को इलाहाबाद, भुवनेश्वर,
सिकंदराबाद, बेंगलोर से बुला, हाँ गोरखपुर और बहुत सारे हैं, उनसे बुला के इनको भर्ती करवाया जा रहा है, लेकिन हमारे पत्राचार का जवाब नहीं आ पा रहा है। इसलिए हम लोग फिर डिसाइड किए हैं कि आज करेंगे। पिछले आप लोग भी देख रहे हैं, मीडिया वाले सब यहाँ पे हैं, हम लोग 2-2.5 घंटे से यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, उन लोग से मांग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक भी ऑफिसर अभी तक के बाहर नहीं आए हैं। ये लोग अपने पुलिस वाले को, RPF वाले को बाहर में लगा दिए हैं, ठीक है। हम लोग कब से बोल रहे हैं, 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है बात करने के लिए। अभी बोले कि ठीक है 4 लोग जाएंगे, अभी भी 4 लोग को नहीं जाने दे रहे हैं। ये आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आप लोगों का प्रदर्शन का असर शासन प्रशासन तक नहीं पहुँचती, उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? उस स्थिति में आंदोलन को और आगे जारी रखा जाएगा, संख्या बढ़ती जाएगी, जिस ताकत के साथ हम अभी प्रदर्शन कर रहे हैं हम उसे दुगने ताकत के साथ प्रदर्शन करेंगे। बहुत ज़्यादा तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, फर्दर आगे डिसाइड किया जाएगा कि आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, पर इतना तय है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अभी बिलासपुर जोन में ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो योग्य है और उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है? सर जहाँ तक मेरी जानकारी है, बिलासपुर जोन में 3500 के आसपास कैंडिडेट हैं जिन्होंने CBT 1, CBT 2 और साइको टेस्ट पास किया हुआ है, और 2509 के आसपास वैकेंसी है। तो अगर हमको लिया जाता है, हमको मौका दिया जाता है, तो 3500 के में मतलब आप सोच सकते हैं कि मैक्सिमम कैंडिडेट को जॉब यहाँ पे मिल सकती है। क्योंकि सर कुछ लोग मेडिकल और फिर DV में भी छट जाते हैं, इसलिए अगर 3500 वैकेंसी है और अगर 2500 वैकेंसी निकाला गया है और 3500 कैंडिडेट हैं, बहुत संभावना है, तो संभावना यह है कि पूरे 2500 के कैंडिडेट को यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उस चीज़ के विपरीत जाकर RRB बाहर से लोगों को रिक्रूट कर रहा है। अभी तक 1900 लोगों को बाहर से बुला चुका, RRB ने बुला चुका है दूसरे जोन वाले, हाँ, और तेजी दुगनी गति तिगनी गति से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नियुक्ति दिए जा रहा है, और हम लोग यहाँ आंदोलन करे जा रहे हैं जबकि उसका कोई जवाब उधर से आ नहीं रहा है, और हम लोग उसी के प्रतीक्षा में हम लोग हमेशा लगे रहेंगे और करते रहेंगे।